खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाटकुई पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का न केवल विस्तार से बताया, बल्कि इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है, जिससे देश न केवल विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया है, बल्कि तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर है। साथ ही पूर्व सीएम ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही नव मतदाताओं से भी उन्होंने संवाद किया। सीहोर से संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के तहत आज भी मैं लालपी गांव में आया हूँ। संगठन हमारे नीचे तक जाए, बूथ कमेटी ठीक से काम करे, पन्ना प्रमुख और पेश समिति तक हम जाए, इसलिए बूथ समिति की हमारी बैठक संपन्न हुई और बूथ समिति के कामकाज का मैंने जायजा लिया। नव मतदाता सम्मेलन किया, विद्यार्थियों के साथ बात की, महिला सम्मेलन संपन्न हुआ, महिला और हितग्राही सम्मेलन, मंदिर में स्वच्छता का अभियान अभी चलाया, मंदिर में पुजारियों का सम्मान किया, अभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ नगर के उनसे चर्चा करने जा रहे हैं, एक परिवार में और जा रहे हैं। तो जो निर्धारित काम है गांव चलो अभियान के, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। कब तक चलेगा अभियान? ये अभियान तो अलग अलग तिथियां 3 दिन लगातार चलेगा। मैं आज इसलिए आया कि मुझे कल दिल्ली और वहाँ से जयपुर अजमेर जाना है, तो एक दिन पूर्व भी मैंने ये अभियान चले, लेकिन 9, 10, 11 को पूरे प्रदेश में हमारा हर कार्यकर्ता जिसको जो बूथ दिया गया उस बूथ पर जाएगा। भाई साहब, रेलवे लाइन में जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या कहेंगे? किसानों की बात बहुत गंभीरता के साथ सुन के उनके साथ न्याय हो, इसका प्रयास किया जाए।